So hello and welcome, welcome to the another lecture of ratio and proportion. Today we'll be solving the rest of the practice set 4.4. Rest of the practice set 4.4. So first question is your third question. Ax plus by upon x plus y is equal to bx plus az upon x plus z is equal to ay plus bz अपॉन वाई प्लस जेड. ये आपको तीनों रेशियोज इक्वल दिए हुए हैं और हमको प्रूफ करना है कि सब रेशियो का वैल्यू ए प्लस बी अपॉन टू आएगा और एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. मतलब आपको न्यूमरेटर में ए प्लस बी चाहिए और डिनोमिनेटर में टू चाहिए. आप लिखोगे ऑल दिस बी इक्वल टू के. अब नीचे देखो आप, यहाँ पे दो एक्स है, यहाँ पे दो वाई है, यहाँ पे दो जेड है. ऐड होएगा तो क्या आएगा, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड. यहाँ पे एक्स के साथ ए भी है, एक्स के साथ बी भी है. यहाँ पे वाई के साथ बी है, ए के साथ बी, वाई के साथ ए भी है. यहाँ पे एक्स जेड के साथ ए है, जेड के साथ बी है. तो क्या करेंगे हम, बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज. बाई थियरम ऑफ इक्वल रेशियोज आप क्या करोगे, आप इंडायरेक्टली इन सबको ऐड कर दोगे, जिससे क्या होगा, देयरफॉर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए जेड प्लस ए वाई प्लस बी जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस एक्स प्लस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के. आपने सबको ऐड कर दिया. ऐड करने के बाद आप अभी सब चीजें कॉमन निकालोगे. कॉमन निकालोगे तो कैसे निकालोगे, कि आपको निकालना है कि एक पार्ट कॉमन ए के रिस्पेक्ट में आएगा, दूसरा पार्ट कॉमन बी के रिस्पेक्ट में आएगा. मतलब आपका यहाँ क्या आएगा, सबसे पहले देखो आपके पास ए एक्स है, बी एक्स है, ए जेड है. तो ए एक्स सॉरी ए एक्स प्लस ए वाई भी है, ए जेड भी है. ए एक्स प्लस ए वाई प्लस ए जेड प्लस बी एक्स प्लस बी वाई प्लस बी जेड अपॉन, यहाँ पे दो एक्स है, दो वाई है, दो जेड है. मतलब क्या, टू एक्स प्लस टू वाई प्लस टू जेड इज इक्वल टू के. आप ए कॉमन ले लो, ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन, यहाँ पे टू कॉमन ले लो, टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू के. आप देखोगे कि आप ए प्लस बी लिख दो, इसको और इसको साथ में लिखो, तो इंडायरेक्टली क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये भी इंडायरेक्टली वही होगा, ए इंटू पूरा ए प्लस बी इंटू पूरा ए, ए इंटू पूरा ए प्लस बी इंटू पूरा ए, यही आएगा. आप लिखो टू इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. आप ये और ये कट कर दोगे, रीजन लिखोगे सिंस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो. इनडायरेक्टली आपको आंसर आ गया ए प्लस बी अपॉन टू. तो पहले के की वैल्यू किसके बराबर थी, पहले के की वैल्यू आपकी पूरे तीनों रेशियोज के बराबर थी. तीनों रेशियोज के बराबर थी मतलब क्या था, कि आपके तीनों रेशियोज की वैल्यू क्या आएगी. अब तीनों रेशियोज की वैल्यू क्या आ रही है, ए प्लस बी अपॉन टू. मतलब वो तीनों रेशियोज की वैल्यू भी आपको ए प्लस बी अपॉन टू आ रही है. टेक अ नोट, दिस वन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये है आपका फोर्थ क्वेश्चन. y plus z upon a is equal to z plus x upon b is equal to x plus y upon c. आपको ये तीन रेशियो दिया हुआ है, आपको बताना है कि this all is equal. मतलब ये तीन तो इक्वल है, अगर ये तीन इक्वल है तो ये तीन भी इक्वल है. वेरी सिंपल सर. सबसे पहले तो आप देखो b plus c minus a सीक्वेंस देखना आप पहले.
हर एक रेशियो में आपको नीचे बी है, नीचे ए है, नीचे सी है, उस हिसाब से पहले आप उसको लिखो। क्या होगा पहले कंसीडर, कंसीडर करने के बाद पहले आप बी वाला लिखोगे, जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू फिर सी वाला एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू फिर ए वाला वाई प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू ए। इससे क्या हो जाएगा, फिर बाद में लिखोगे मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो बाय माइनस वन, थर्ड रेशियो बाय माइनस वन मतलब इधर ऊपर मल्टीप्लाई इधर भी मल्टीप्लाई, आपको आएगा जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वाई प्लस जेड अपॉन माइनस ए इज इक्वल टू के। अब बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज आपको पूरा लिखना है, जेड प्लस एक्स प्लस वाई माइनस ऑफ माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस जेड अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू ए। आपका माइनस वाई प्लस जेड माइनस जेड कैंसिल, आंसर आएगा आपको टू एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू ए। ये ले लो आपका टू ले लो, इसको इसको वन ही ले लो। आई होप इट्स विजिबल, यस इट इज, जस्ट लेट मी जस्ट रीएडजस्ट इट। सो फिर आप क्या करोगे, फिर आपको दूसरा पार्ट कंसिडर करना है, जैसे कि ये है सी प्लस ए माइनस बी। अब आप सी पहले लिखोगे एक्स प्लस वाई अपॉन सी, फिर ए लिखना है वाई प्लस जेड अपॉन ए, फिर बाद में आपको लिखना है जेड प्लस एक्स अपॉन बी इज इक्वल टू के। फिर आप सेम स्टेप लोगे मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो बाय माइनस वन, मतलब इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो बाय माइनस वन, जिससे क्या होगा एक्स प्लस वाई अपॉन सी इज इक्वल टू वाई प्लस जेड अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन माइनस बी इज इक्वल टू के। फिर से आप लिखोगे बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोस एक्स प्लस वाई प्लस वाई प्लस जेड माइनस इंटू प्लस माइनस जेड माइनस इंटू प्लस माइनस एक्स अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के। जेड माइनस जेड एक्स और माइनस एक्स कैंसिल, टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका टू। मैंने आपको दो पर्टिकुलर पार्ट्स दिखा दिया कि आपको दो साइड्स कैसे आएंगे, दूसरा रेशो आपको सिमिलरली करना है। मैं आपको होम असाइनमेंट के लिए दे रहा हूँ कि ये वाला पार्ट आपको होम असाइनमेंट में करना है। आप लिखोगे, आप ये पूरा स्टेप करोगे, आप पहले ए वाला पार्ट लिखोगे, दूसरी बार बी वाला पार्ट लिखोगे, तीसरी बार बी सी वाला पार्ट लिखोगे। तो जब ये थर्ड रहेगा फिर से आपको मल्टीप्लाई थर्ड रेशो बाय माइनस वन करना है। मल्टीप्लाई थर्ड रेशो बाय माइनस वन करोगे तो आपको थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज लगाने के बाद आपका आंसर आएगा टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के। ये हो गया आपका थ्री। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी आएगा। जैसे सेम स्टेप था वैसे ही वहां पे भी सेम स्टेप रहेगा, इसमें भी तीनों दोनों सेम था, इसमें भी दोनों सेम था, बस इसमें ए माइनस हो रहा था, इसमें बी माइनस हो रहा था, उस वाले में सी वाले को आप माइनस लगाओगे। सी वाले को माइनस लगाने के बाद आप थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाओगे, थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो लगाओगे तो आपको टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के आ जाएगा। ए प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू के आ गया तो फिर बाद में आपको लिखना है देयरफॉर फ्रॉम वन टू एंड थ्री। अब आप वन टू एंड थ्री देखोगे, इसको भी के, इसको भी के, इसको भी के, तीनों के इक्वल है, मतलब क्या तीनों ही इक्वल है। टू एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। आई होप यू आर एबल टू सी इट।
आई गेस इट्स विजिबल. यस इट इज. सो देन अब आंसर में सिर्फ एक्स सिर्फ वाई सिर्फ जेड चाहिए. यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है, यहाँ पे टू है. आप लिखोगे डिवाइड थ्रू आउट बाय टू. डिवाइड करोगे थ्रू आउट बाय टू तो ये टू कट जाएगा, ये टू कट जाएगा और ये टू कट जाएगा. आपको इनडायरेक्टली यही आएगा. आप लिखोगे हेंस प्रूव दैट एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इज इक्वल टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इज जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी. दैट कंप्लीट्स आवर फोर्थ सम. Take a good look at this one. So the next sum you have is your fifth question. Fifth question. आपको 3x minus 5y upon 5z plus 3yx plus 5z upon y minus 5x is equal to y minus z upon x minus z. ये आपको दिया है. आपको प्रूफ करना है ये सारे रेशियोज की वैल्यू इक्वल टू एक्स अपॉन वाई आएगी. कि मतलब ये तीनों रेशियोज जो है उनका आंसर आपको एक्स अपॉन वाई आएगा. तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे माइनस फाइव वाई है, यहाँ पे प्लस फाइव है, यहाँ पे प्लस फाइव वाई हो सकता है, यहाँ पे माइनस फाइव जेड हो सकता है. अगर आप फाइव मल्टीप्लाई करोगे तो आप लोगे लेट ऑल दिस बी इक्वल टू के मल्टीप्लाई थर्ड रेशियो बाय फाइव, जिससे क्या होगा 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू 5 इंटू y माइनस z अपॉन 5 इंटू x माइनस z is equal to k. अब आप थ्योरम लिखाओ, थ्योरम लगाओ बाय थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियो. क्या हो जाएगा 3x minus 5y plus x plus 5z 5 into y plus 5y 5 into minus z minus 5z upon 5z plus 3y plus y minus 5x 5 into x, 5x, 5 into minus z, minus 5, z is equal to k, minus 5z plus 5z cancelled, minus 5x plus 5x cancelled, plus 5z minus 5z, plus 5y minus 5y. आपको आया आंसर 3x plus x, 4x. आपको आंसर आया 3y plus y, 4y. ये हो गया आपका, ये आपका 1 ले लो, ये हो जाएगा आपका is equal to k. अब पाया x upon y is equal to k. आप फिर डायरेक्टली लिखोगे from 1 and 2 your whole these three ratios is equal to x upon y. That's the end of third question. Third question में आपके 5 question थे जो theorem of equal ratios से similar थे. Try to do this subject home. We'll move on to the last question of the day. Fifth question, second one, the last question of this exercise, and one question is your home assignment. It is a similar question but with different a bit numbers and calculation. What does it state? Yeah, आपको दो ratios equal दिए हुए हैं. आपको दो ratios equal दिए हैं तो आपको क्या कहा गया है solve करने के लिए. Solve करने के लिए in the sense जो variable रहेगा उसकी एक definite value निकालनी है. तो सबसे पहले आप try करोगे कि definitely अगर मैं दोनों को zero रख दूंगा तो answer आ सकता है. कि अगर if y is equal to 0, y is equal to 0 रहेगा तो क्या होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला टर्म 0 है. तो पहले वाले रेशियो के लिए क्या हो जाएगा आपका 5y square plus 40y minus 12 upon 5y plus 10y square minus 4. आपको आ जाएगा सिर्फ 12 upon 4 क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा ये सारे 0 हो जाएंगे. आपका आंसर आएगा 3. दूसरा आएगा y plus 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू आपको सिर्फ आएगा आंसर 8 अपॉन 1. अब आप देखोगे दोनों पे 0 लगाया गया है तो इनडायरेक्टली आपको क्या आ रहा है ये दोनों रेशियो इक्वल है. इसकी वैल्यू 3 आ रही है, इसकी वैल्यू 8 आ रही है. 3 की वैल्यू कभी 8 के बराबर नहीं होगी तो इसलिए देयरफॉर y कैन नेवर बी इक्वल टू 0. y की वैल्यू कभी भी आपको 0 नहीं आने वाली.
तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप लिखोगे 5y² प्लस 40y माइनस 12 अपॉन 5y प्लस 10y² माइनस 4 इज इक्वल टू y प्लस 8 अपॉन 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 3। अब आप क्या करोगे, आप इसमें और इसमें कुछ सिमिलैरिटीज लाओगे, कैसे बताओ। जब आप इसको 5y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 5y into y 5y², ये हो जाएगा 5 × 8 = 40y। तो आप इसको 5y से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे भी 5y से मल्टीप्लाई करो। अब y थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज, आपका हो जाएगा 5y² प्लस 40y माइनस 12 प्लस 5y² माइनस 5y से मल्टीप्लाई करो ताकि आपको कट जाओ, माइनस 5y into y माइनस 5y² माइनस 5y into 8 प्लस 40 माइनस 40y अपॉन 5y प्लस 10y² माइनस 4 माइनस 5y into 1 माइनस 5y माइनस 5y into + 2y माइनस 10y² इज इक्वल टू के। आपको क्या आ गया अभी, माइनस 10y² प्लस 10y² प्लस 5y माइनस 5y 5y² माइनस 5y² प्लस 40y माइनस 40y आपको आया माइनस 12 अपॉन माइनस 4 इज इक्वल टू के। मतलब इन शॉर्ट आपको के की वैल्यू क्या आई, 3। ये आपका 2 ले लो, इसको आप 1 ले लो। मतलब क्या आया आपको कि आपके दोनों रेशियोज की वैल्यू आपकी आएगी 3, या आपको इनडायरेक्टली 3/1 वैल्यू आएगी। आप लिखोगे फ्रॉम 1 and 2, आप छोटे से छोटा ले लो, जैसे ये वाला ले लो y + 8/1 + 2y = 3/1। इससे आपको क्या आएगा, 3 × 1 + 2y = y + 8, जो इनडायरेक्टली क्या होगा, 3 + 6y = y + 8। आई होप यू आर एबल टू सी द कैलकुलेशन हियर। ओके, मैं थोड़ा साइड में कर देता हूँ। तो आपको इनडायरेक्टली यहाँ क्या आएगा, प्लस 3 वहाँ गया तो माइनस 8 माइनस 3, प्लस y यहाँ आया तो माइनस 6y माइनस y इज इक्वल टू 8 माइनस 3 5, 6y माइनस y 5, आपको y इज इक्वल टू आएगा 5/5 विच इज 1। तो आपको y की वैल्यू आंसर आ गई 1। तो इसमें पहले वाले में भी सेम कैलकुलेशन है, सेम स्टेप्स है। पहले आपको उसमें पूरे दोनों रेशियोज में जीरो लगाना है, देखना है जीरो से आंसर बराबर आ रहा है कि नहीं। जीरो से आंसर बराबर नहीं आएगा तो आपको फिर बाद में उसमें देखना है कि उसके जो टर्म्स है वो मैच हो रहे हैं कि मैच होएंगे, तो आप कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने यहाँ पे माइनस 5y किया, उसमें कुछ और टर्म रहेगा, 3x 4x 8x कुछ भी रह सकता है, तो उसमें आप देखो कि आप उसको सिमिलर कर सकते हो क्या। जब ये दोनों आप सिमिलर कर दोगे तो आप थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज लगाओगे तो वो कट हो जाएगा। कट होने के बाद आपको ऐसा कोई स्पेसिफिक वैल्यू आएगा, ये स्पेसिफिक वैल्यू को इन दोनों में से किसी के साथ इक्वल करो और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर लेके आओ। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।